नमस्कार, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अपने संवाददाता संजय से, जो कि थाने से ताजा स्थिति बता रहे हैं। थाने में अभी कुछ देर पहले सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके हैं। हम थाने से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और ताजा स्थिति के अनुसार थाने के आदर्श नगर इलाकों में कुछ दंगाइयों ने एक बस में आग लगा दी है, जिसमें 57 लोगों की मौत होने का अंदेशा है। इस हादसे के कारण समूचा थाने सांप्रदायिक दंगों की चपेट में। पापा का फोन लगा। अब तक 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। चाटर्जी अंकल को ट्राई किया? संख्या अधिक बताई जा रही है। उनका भी नहीं लग रहा। थाने बिजनेस सेंटर का इलाका सबसे संवेदनशील है। यातायात के अवरोध हो जाने से इस इलाके में काफी लोग फंसे हुए हैं। चारों ओर लूटपाट, आगजनी और संदेह का माहौल। प्रशासन ने थाने डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया है। विपक्ष के नेताओं ने अरे नहीं, सॉरी, आई कुड नॉट कॉल यू। अभी पहुंचा ना? हाँ। अरे नहीं, मुझको पता ही नहीं चला। अरे ट्रैफिक में अटका हुआ था, मुझे कुछ मालूम ही नहीं। हाँ, दे आर जैम द नेटवर्क्स, करेक्ट। हाँ हाँ। अरे मत पूछ, दिमाग का तो नो, आई कुड नॉट कॉल यू ना। नो, आई कुड नॉट कॉल एनी बडी, नो बडी कुड कॉल मी। हाँ, अरे घर वापस आया तो पता चला। राइट से आंद्रे, कितना लिया है? हम सब भी तो है ना खाने वाले। हेलो, देख ना, माँ बाप को भूखा मारेगा, मुझ पे। अरे चैटर्जी, सीरियसली, बट ये जो तुम्हारा शहर है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं क्यों, मैंगलोर नहीं जा सकता मैं, उधर भी तो है ना अपना रिफाइनरी। क्लोज योर माउथ एंड ईट। चलो कि खाना खाने दे। बाय। मैंगलोर में क्या करा दिए? थिंक अबाउट अ रैशनल डिनर। इतना बड़ा घर है हमारा, अन्ना भी है, और फिर एक से एक अच्छे स्कूल है। My point is कि what kind of life are we leading here? इतनी भीड़ भाड़, so much of stress, सब कुछ किराए का लगता है यहाँ पे, time भी खुद का नहीं। क्या है, कम से कम phones तो dustbin में फेंक दिया करो। कल refinery से phone भी आया था, they want me to take the offer. यहाँ खाओ या तो बोलो, वर्ड्स खाओगे तो बदहजमी हो जाएगी। कुछ
कुछ मेरे लिए भी साफ करने को छोड़ दो। और मेरी जॉब का क्या? तुम तो यही चाहते हो कि मैं रोज घर बैठे तुम्हें विंडालू खिलाऊं। अरे ऐसा कब कहा मैंने? मैंगलोर में भी एड एजेंसीज हैं। हाँ, डिजाइन फॉर ज्वेलरी एंड साड़ी एड्स। अरे तुम ये बोल भी कैसे सकते हो? क्यों, क्या करा अभी उसमें? ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। ओके ओके, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर एडवर्टाइजिंग एंड डिजाइन। पर तुम थोड़ा एडजस्ट करो ना। आई वांट टू टेक अप दिस ऑफर। अपना ही क्यों सोचते हो? मेरी कोई लाइफ नहीं है क्या? ठीक है, मैं एडजस्ट करती हूँ, हाउसवाइफ बन जाती हूँ। फाइन। आंद्रे, डिड यू पॉलिश योर शूज? पिछले 10 सालों से तुम्हारे इस पागल शहर में जी रहा हूं, तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम में भी कभी इंटरफेयर नहीं किया। इट्स हाई टाइम दैट कोई मेरे बारे में भी सोचे। शावनेस बोलना है बोलो, लेकिन बहुत हो गया ये भाड़े का जीना। रेचल, रेचल, मामा, तुमने कल का टिफिन क्यों नहीं खाया है? मामा, रियली तुम इतना खाना वेस्ट करती हो। रेचल, आई एम गोइंग टू हैव टू टेल पापा नाउ। मामा, हाँ, आर वी गोइंग टू मैंगलोर? क्यों? रेचल, नहीं कल पापा बोल रहे थे तो इसलिए। पापा तो बहुत कुछ बोलते हैं। आज मैं सैंडविचेस डाल रही हूँ, द टिफिन बेटर बी एम्प्टी। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं या नहीं? ये सुबह सुबह क्या लगा रखा है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, बस तुम स्कूल जा रहे हो। ओके, सर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके जूते पॉलिश कर दूं। Goodness is a virtue. Truthfulness, compassion, love, honesty. These words might be irrelevant to you, young man. In the age of satellite television, these great values might be unfashionable, uncool. But remember, God is watching. Wo dekh raha hai. He only fulfills the wish who follow his path. Let me tell you the story of Ruben Gonsalves. एक दिन रूबेन ने एक पंछी को सड़क पे देखा जो बहुत तड़प रहा था दर्द के मारे। रूबेन को उसका दर्द सहा नहीं गया। उसने उस पंछी को उठाया हाथ में बड़ी सॉफ्ट हैंड से, लेकिन पंछी के शरीर में से
उसकी जान चली जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी आंखें बंद कर दी। He was dead. लेकिन रूबेन ने गॉड को प्रे किया और सबको चौंकाने वाली बात हो गई, सबको हैरान होने वाली बात हो गई। पंछी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी, उसके शरीर में जान आ गई थी और टुकुर टुकुर करके वो रूबेन को देख रहा था। रूबेन ने उसे हाथ में तो लिया और आसमान में उछाला उसे और पंछी उड़ गए। तब से उस पंछी की और रूबेन की बहुत गहरी दोस्ती हो गई। एंड रूबेन वॉज गॉड्स चूजन वन। Please remind me to complete the story next class. But you still have to complete the Dominic Savio story. तो पहले क्यों नहीं बोला? आपने पाटोली को बोला था आपको याद दिलाने के लिए। अच्छा? Hey, पाटोली! अरे फादर ती गोष्ट अजून बोरिंग होती। ए कार्टिया तुला डिटेंशन देतो थांब। What is hypotenuse? Get out of the class. Amit, what is hypotenuse? No, miss. Get out from here. Sorry, miss. Patole, I didn't tell you to get out. What is hypotenuse? Get out. Gurjot, what is hypotenuse? Get out of the class. अरे वो शो तुम लोग को याद है ना, जस्टिन टिम्बरलेक और जेनी जैक्सन का? वो शो में वो खींचा था ना उसका ब्रा जस्टिन ने। हाँ, तो शो खत्म होने के बाद है ना, सिर्फ लड़की लोग ने ताली बजाए, तो ये जेनी जैक्सन गई जस्टिन टिम्बरलेक के पास और पूछा, अरे जस्टिन सेड, ये सिर्फ औरत लोग क्यों ताली बजा रहे, आदमी लोग क्यों नहीं बजा रहे? तो जस्टिन सर ने बोला, देख जेनेट बेन, बात ऐसा है कि लड़के लोग एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता। लेकिन यार आदमी लोग दूसरे हाथ से क्या कर रहे थे? अरे क्यों खींच रहे हो, ठीक से जवाब दो ना। अरे वो लोग इसलिए नहीं ताली बजा रहे थे क्योंकि उन लोग ने अपने एक हाथ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अश्विन यार, आंटी को बोलना इडली एकदम फैंटास्टिक था यार, एक इडली बचा है। पूछता क्या है यार, खा लेना। अब सिर्फ इडली खाता रहेगा कि मुझे हेल्प भी करेगा? ले पकड़ यार, मुझे कल डोसा खाने का मन कर रहा है यार। पर परसों तेरा मन क्या कर रहा है खाने का वो भी बोल देना। ए मस्करनीस, कैन यू कैरी दिस बुक्स टू द स्टाफ रूम प्लीज? सॉरी यार, रख के आता। Thank you.
मिचेल तुमने अपना दूध नहीं पिया? तुम पी लो। आधा रखा है, पी लो। बाय, आई एम गोइंग। अश्विन सबका इतना क्यों सुनते है? आंद्रे, you must learn to say no when you want to say no. I mean, I want to say yes. फालतू सवाल मत पूछ यार। तुझे हमेशा इतने अच्छे रहने की क्या जरूरत है? क्यों? तू कह सकता था ना यार बिस्पोंक्षे को कि तू मेरी हेल्प कर रहा है। वो भी तो स्कूल का काम था। Come on, jump. Hey, Big Mac, रुक ना, कहाँ भाग रहा है? ये कोएड वाले क्या खुद को स्टार समझते? कूदना था ना, उसी का पैर टूटता। Can I borrow your pencil? Yeah, sure. देखा, यही मैं कह रहा था। क्यों दी अपनी पेंसिल? तुझे जरूरत थी ना? Ashwin, God helps those who help others. साइलेंस। सो एक मिनट, आ जाओ। देखो बच्चों, ये है, क्या नाम है? मीता पाटकर। She has joined the classes today. Take your seat. आप सब उनकी हेल्प करना, हाँ? So we'll start the class. ये जो है, अबे आंद्रे अपना मुंह बंद कर। मम्मा, आपको क्या लगता है रूबेन गोंजालेस की स्टोरी सच्ची है? कौन? वो जो मलाड में बेकरी चलाता है, वो रूबेन? नो, रूबेन गोंजालेस हु वाज गॉड्स चोजन वन। या आपको क्या लगता है कहानी सच्ची है? ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रू स्टोरी। क्या तुम भी अपने आप को रूबेन गोंजालेस की तरह? इंजीनियरिंग ड्राइंग? ड्राइंग करना है तो कुछ काम का करो, दिन भर कार्टून बनाता रहता है। लेकिन मुझे कार्टून बनाना अच्छा लगता है। तुम खुद एक कार्टून हो गए हो। वो तुम्हारे कार्टून, वो पेंटिंग कंपटीशन का क्या हुआ? नाम अनाउंस हुआ? कोई चांस है सिलेक्ट होने का? डेफिनेटली। आई एम एज गुड एज वॉल्ट डिज्नी। अश्विन कामत, सावियो, यस, यू बोथ हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन। आंद्रे, यू आर वेरी क्लोज, बट ओनली टू कैन बी सेंट फ्रॉम द स्कूल।